हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू JDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की वीडियो हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सो जैसा कि आपको पता है, आपका टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर आने वाला है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। सो यहाँ पे हम पूरी डिटेल में इस चैप्टर को समझने वाले हैं। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे SST अकेडमिक्स की तैयारी करवाई जाती है। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इससे पहले मैंने फ्रांस की क्रांति और नाजिज्म ऑफ हिटलर का उदय ऑलरेडी अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है हिंदी मीडियम में ही, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को पहले जरूर से जरूर देख लीजिएगा। नाउ इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हैं कि याद रखने वाली बातें क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के दौर खोल दिए। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ, उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। तो जैसा कि आपको पता है, फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसा क्रांति था जो पूरे देश में एक परिवर्तन का लहर ला दिया। यानी फ्रांसीसी क्रांति को देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने देश में अपने अपने राइट्स, अपने अपने हक के बारे में जो उनको राइट चाहिए उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया। तो ये फ्रांसीसी क्रांति ही पूरे देश में समाज में परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारण था। और रूस में मेनली 3 तरीके के विचारधारा निकल के आई, जिसमें से उदारवादी थे, एक रूढ़िवादी थी और एक परिवर्तनवादी। तो 3 विचारधाराएं स्टार्टिंग में देखने मिली रूस में। तो रूढ़िवादी मेनली क्या चाहते थे, उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध, अतीत का सम्मान करना तय करते थे तथा बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। तो रूढ़िवादी मेनली चाहते थे कि भाई ये जो परिवर्तनवादी है, उदारवादी, इन लोगों का विरोध करते थे ये लोग। और इसके साथ साथ अतीत का ये लोग सम्मान, अतीत का सम्मान का मतलब जो अगर पुरानी विचारधाराएं हैं अगर इनकी, तो पुरानी विचारधाराओं को भी फॉलो करना चाहते थे, यानी हिस्ट्री को अपनी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। और साथ में ये चाहते थे बदलाव तो हो लेकिन कैसे हो, धीरे हो, यानी धीमे प्रक्रिया से हो, धीरे धीरे हो, ना कि इंस्टेंट एकदम से बदलाव आ जाए। तो ये वर्ड से कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी विचारधाराओं के अंतर्गत बदलाव तो चाहते थे लेकिन धीरे धीरे चाहते थे, तो वो ध्यान रखिएगा रूढ़िवादी। उदारवादी क्या चाहते थे, उदारवादी सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करते थे, अनियंत्रित सत्ता का विरोध यानी मोनार्की सिस्टम का विरोध करते थे, साथ में व्यक्ति मात्र के अधिकारियों की रक्षा के पक्षधर, यानी कुछ ही व्यक्ति के लिए सपोर्ट में खड़े थे, बाकी सभी के लिए नहीं। मेनली प्रतिनिधित्व पर अधिकतर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, निर्वाचित सरकार चाहते थे, इलेक्शन के बेस पे सरकार चुनी जाए। इसके अलावा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के स्थान पर सत्ताधारियों को वोट देने का अधिकार के पक्ष में थे। यानी सार्वभौमिक व्यस्क अधिकार क्या होता है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बच्चों को क्या कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन ये लोग जो थे वो सभी को वोट देने का अधिकार के पक्ष में नहीं थे, केवल जिनके पास सत्ता हो, जिनके पास ज़्यादा पैसे हों, अमीर लोग हों, उन्हीं को केवल ये वोटिंग राइट देना चाहते थे, महिलाओं को ये कोई भी वोटिंग राइट देना नहीं चाहते। जबकि परिवर्तनवादी यानी जो तीसरी विचारधारा है वो क्या चाहते थे, बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, यानी इलेक्शन के वेट पर हो, जिसको ज़्यादा बहुमत मिले, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो उसकी सरकार बन जाए। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार का विरोध, यानी बड़े बड़े जमींदार जो हैं, उद्योगपति, इंडस्ट्रियस हैं, उनके पास जो ज़्यादा विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं, यानी सभी को संपत्ति पे सभी का अधिकार हो। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन, इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि महिलाओं को भी वोटिंग अधिकार मिले। तो ये 3 विचारधाराएं हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 3 नंबर में बनेंगे या 5 नंबर बनेंगे। तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यहाँ से। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहे यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। तो ये जो टाइम पीरियड था स्टार्टिंग का वो क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने मिले, बहुत सारे सोसाइटी में चेंज देखने मिले। तो इसलिए से कहा गया ये जो दौर था वो क्या है, बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे, और इसके अलावा जो औद्योगिक क्रांति उस टाइम पे चल रही थी उसके जो कमियां थी वो क्या क्या है, तो काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, सफाई व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने का विवश कर दिया। यानी औद्योगिकरण जब वहाँ पे आया था, यानी बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज खुल गई थी तो वहाँ पे लंबे समय तक लोगों को काम कराया जाता था, उसके बदले उन्हें वेतन कम मिलता था, बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई थी। इसके अलावा आवास की कमी, इन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं था, साफ सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पर चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, रूस की क्रांति होने की संभावना बनी। यानी अब लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम लंबे समय तक काम करते हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती सही से, हमारे यहाँ साफ़ सफाई नहीं रहती, तो ये सारी चीज़ें क्या है, गलत हैं। तो अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे,
आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगे। तो मेनली जो समाजवादी के मुख्य विचार थे वो क्या थे, निजी संपत्ति का विरोध हो, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसे विरोध कर दिया जाए, इसके लिए सामूहिक समुदायों की रचना की जाए। ये ऐसा किसने बोलता, रॉबर्ट ओवेन ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका, सरकार द्वारा सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा, यानी लुई ब्लॉक, ये सरकार द्वारा जो है सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि प्राइवेट को, यानी जिस पर सभी का अधिकार हो, किसी एक का अधिकार ना हो। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व, कार्ल मार्क्स प्रेसिडेंसी एल्गेस ने कहा था कि संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए, पूरे समाज का अधिकार होने, ना कि केवल एक का। और यही वाली जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, यही फैली थी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये। तो ये तीनों के थॉट्स थे अलग अलग समाजवादियों के। आगे पढ़ते हैं, 1870 का दशक आते आते समाजवादी पूरे यूरोप में फैल चुका था। अब ये जो 1870 तक आते था, क्या जितनी ये विचारधारा थी कि कार्ल मार्क्स की, लुई ब्लॉक की, इसके अलावा रॉबर्ट ओवेन की, तो ये सारी जो विचारधारा थी 1870 तक क्या हुआ, पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोप में 244 कंट्रीज आती है, उसी में आपका ये रसिया आपका एक पार्ट है। फरवरी 1917 में राजाशाही के पतन से हो लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता समाजवादी के कब्जे तक की घटनाएं को रूस की क्रांति कहा जाता। तो ये डेफिनेशन है, फरवरी 1917 से यहाँ पे स्टार्ट होती है क्रांति और फाइनली जाके अक्टूबर 1917 में ये कंप्लीट हो जाती है, और इसी को रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि रूसी समाज में लोग कैसे रहते थे। तो 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थी, जहाँ काम की दशाएं बेहद ख़राब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन अपने कम्यून यानी अमीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही था, यानी रूस का राजा ज़ार निकोलस सेकंड था उस टाइम पे, वो एक निरंकुश था, यानी किसी की बात नहीं मानता था वो। 1904 में ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, मजदूर संगठन भी बनाने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। इसी दौरान पादरी गोपन के नेतृत्व में मजदूरों ने एक जुलूस पर जार के महल पर सैनिक ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब लोगों जब विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने क्या किया, जो राजा था निरंकुश, उसके घर पर ये जो फादर गोपन है, पादरी गोपन है, इनके नेतृत्व में, यानी इन्होंने इसको लीड किया, और इन्होंने क्या किया, जार के महल पर अटैक कर दिया। उस अटैक में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, और इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक नंबर में भी और तीन नंबर में तो कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आगे बात करते हैं, 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। तो जब जो 1905 की जो क्रांति हुई थी, इस घटना के बाद ही तुरंत हुई थी। तो यहाँ क्या हुआ, अब सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य मध्यमवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन की स्थापना कर दी। जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद यानी ड्यूमा का गठन पर सहमत हुआ, परंतु मात्र 75 दिन के भीतर ही ड्यूमा तीन महीने के भीतर दूसरे ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया या ख़त्म कर दिया कह सकते हो। तो यानी दबाव में आकर इन्होंने संसद में चेंज तो कर दिया, और यहाँ के संसद को ड्यूमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बट तीन महीने के अंदर अंदर उसे दोबारा से उसे ख़त्म कर दिया। तो तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियाँ अंकुश ना लगे। अब क्या किया, उसने पहला ड्यूमा तो बना दिया, लेकिन फिर तीन महीने के अंदर अंदर उसने दूसरा ड्यूमा बनाया, फिर तीसरा ड्यूमा बनाया। उसके अंदर क्या किया, जो रूढ़िवादी नेता थे, जो लोग ज़्यादा परिवर्तन नहीं चाहते थे, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रूढ़िवादी वो लोग थे जो इतिहास को सुरक्षित रखना चाहते थे और जो बदलाव चाहते थे धीरे धीरे, उसको भर दिया। उससे क्या हुआ कि राजा भी निरंकुश था और रूढ़िवादी जो राजनेता थे वो भी नहीं चाहते थे कि भाई ज़्यादा बदलाव हो। तो इससे क्या हुआ, उसकी जो ताकत है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए कोई। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। सो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1918 तक चला। इसमें दो खेमे, केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और दूसरा जो मित्र राष्ट्र था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच में लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पहली क्रांति हुई थी 1914 से 18 तक चली थी। तो जब दो शक्तियाँ थी, इसमें केंद्रीय शक्तियाँ यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और दूसरी जो कंट्री थी मित्र राष्ट्र, उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। तो यहाँ से मैप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। सो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो मैं आपको लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाके मैप के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जो कि दो नंबर का आने वाला है आपका इस बार।
सो अब यहाँ पे क्या हुआ, दो क्रांति, मैंने बताया था दो क्रांति के बाद ही रूस की क्रांति सक्सेसफुल होती है। तो पहली क्रांति का नाम क्या है, फरवरी की क्रांति। अब इसके कारण हैं और इधर घटनाएं और इधर प्रभाव दिया हुआ है। तो फरवरी क्रांति का मेन कारण था प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना। इसके अलावा रास्पुतिन का प्रभाव, रास्पुतिन क्या है, जो जार निकोलस की जो बीवी थी मारिया, उन्होंने वो अपने साथ एक रास्पुतिन लेके आई थी। रास्पुतिन क्या होता है कि मान लो जो रानी थी उसके साथ में ना उसके कल्चरल को, जैसे कि आपको क्या करना है, क्या खाना है, कब पूजा करना है, कब पाठ करना है, ये सारी बातें बताने वाली। तो इसका प्रभाव था मारिया पे और मारिया का प्रभाव था उनके पति पे। तो जैसा रास्पुतिन करती थी वैसे ही उसकी बीवी मारिया करती थी, और जैसा मारिया करता था वैसे जार निकोलस सेकंड करता था। इस बात का क्या हुआ, उस पूरे देश में प्रभाव था। इसके अलावा असंख्य रूसी सैनिक की मौत हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये सबसे बड़ा कारण था। और सैनिक का मनोबल गिरना, शरणार्थियों की समस्या, यानी बहुत सारे लोग शरणार्थी बनकर आ रहे थे धीरे धीरे, खाद्यान्न में कमी, नहीं लोग बस खाने के लिए पैसे नहीं थे, फसल नहीं था, उद्योग बंद हो गए थे। तो ये सारे कारण थे फरवरी क्रांति। अब इस घटनाओं में क्या हुआ, मेनली 22 फरवरी में फैक्ट्री में तालाबंदी हुई, 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल की गई। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों पर घेराव कर लिया गया, राजा द्वारा कर्फ्यू लगा लिया गया और 25 फरवरी को ड्यूमा बर्खास्त कर दिया गया। और 27 फरवरी के प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिपाहियों एवं मजदूरों का संगठन सोवियत गठन, सैनिक कमांडर की सलाह पर जार को गद्दी छोड़ना पड़ा 2 मार्च को। तो ये घटनाएं भी फरवरी की क्रांति में। फिर प्रभाव क्या पड़ा इसका कि रूस में जारशाही का अंत हो गया, और इसके अलावा सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान का चुनाव हुआ। अंतिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत हुई इस तरीके से। तो ये था फरवरी क्रांति के कारण, इसकी घटनाएं और उसका प्रभाव। तो यहाँ पे हमने पर ये देखा, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया था फरवरी की क्रांति के को विस्तार पर बताइए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने, छोटे छोटे एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है अप्रैल थीसिस। तो व्हाट डू मीन बाय अप्रैल थीसिस, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे। उन्होंने 3 मांगें की जिन्हें अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो पहला उन्होंने डिमांड क्या थी, युद्ध की समाप्ति हो, सारी ज़मीनें किसानों के हवाले कर दिया जाए, इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। तो ये जो 3 डिमांड थी उन्हीं को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि 3 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच में टकराव बढ़ते गए, और 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया, और शाम ढलते ढलते पूरे पेट्रोग्राड शहर में बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर की क्रांति पूर्ण हुई। तो फिर फाइनली जो अप्रैल थीसिस में जो डिमांड थी उसकी मांग ना पूरी करने में क्या हुआ, दूसरी लड़ाई हुई जिसको अक्टूबर क्रांति के नाम जाना जाता है। और उसमें क्या हुए, ये जो बोल्शेविक नेता थे लेनिन, उसकी जीत हो गई थी और फाइनली अक्टूबर की क्रांति खत्म हो गया था। अब अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदलाव आया ये देखते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव आया था कि निजी संपत्ति खत्म कर दिया गया, इसके अलावा बैंकों एवं उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जो उनकी डिमांड थी ऑलरेडी, इसके अलावा जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, अभिजाति वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई, रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया, इसके अलावा जमीन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू कर दी गई, गृह युद्ध आरंभ हुआ। अब इसमें बहुत सारे बदलाव लाया गया था रूस की क्रांति के बाद। तो वहाँ पर आपको पता है 3 विचारधाराएँ थी, जो कंजर्वेटिव्स थे, इसके अलावा उदारवादी थे और ये परिवर्तनवादी थे। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, अब जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आया तो अब लोगों के बीच में क्या हुआ, अपने देश में ही लोग लड़ने लग गए, जो लोग ये ऐसा नहीं चाहते थे कि ये सारे बदलाव हो। तो अब गृह युद्ध का मतलब जब हम आपस में देश में क्या हो रहे लड़े। तो क्रांति के पश्चात क्या हुआ, रूसी समाज में 3 मुख्य समूह बन गए, बोल्शेविक रेड्स ग्रुप था, ये जो बोल्शेविक नेता थे उसको रेड्स ग्रुप के नाम जाना है, इसके अलावा समाजवादी क्रांति जो थे उसे ग्रीन के नाम से जाना है, ग्रीन कलर के नाम से, और जार के जो समर्थक थे जार निकोलस सेकंड जो वहाँ का राजा था उसे वाइट्स के नाम से जाना था। इसके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया और ग्रीन और वाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने भी समर्थन मिलने लगा, क्योंकि ये समाजवादियों से संकट थे। तो फिर इनके बीच में लड़ाई हुई थी, बट फिर भी बोल्शेविक जो नेता थे रेड्स ग्रुप्स थे उन्होंने इनको हरा दिया और फाइनली रूस की क्रांति पूरी तरीके से कामयाब हुई। तो यही पूरी कहानी थी यहाँ के रूस की क्रांति के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक बच गया था, वो मेंशेविक और
बोल सेविक का ध्यान रखिएगा, मेन सेविक वो ग्रुप है जिसमें आम आदमी लोग रहेंगे, और इसको लीड करने वाले थे कैरेंस की, ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें कोई भी शामिल हो सकता है। और जबकि बोल सेविक का मतलब था यहाँ पे मेनली क्वालिटी के मेंबर होने चाहिए, यहाँ पे अच्छे मेंबर होने चाहिए, कम मेंबर होंगे यहाँ पे, और इसको लीड करने वाले थे लेनिन। तो ये बेसिक डिफरेंस भी आप ध्यान रखिएगा मेन सेविक लीडर और बोल सेविक के बारे में। सो मैंने कोशिश करी है कि शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर समझा दिया जाए, और आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, और अब आपको यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। मैं एक नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ इसी वीडियो में, जैसे साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे, तो मैंने बताया साम्यवादी के कौन थे, कार्ल मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, रूस में आर्थिक नीति को किसने प्रारंभ किया था, तो लेनिन ने किया था। खूनी रविवार के संबंध रूस के किस क्रांति से है, तो मैंने बताया था 1905 की क्रांति, अभी मैंने पढ़ा है, आप वीडियो को दोबारा से देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रूस के शासकों को क्या कहा जाता था, तो आपको पता है जार कहा जाता है, जार निकोलस सेकंड थे उस टाइम पे। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है, 1917 की रूस की क्रांति का आरंभ किस शहर से हुआ था, तो पेट्रोग्राड, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रूसी इतिहास के डैश तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 फरवरी। रूस की संसद का नाम क्या था, तो मैंने बताया था ड्यूमा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रूस के शासक जार निकोलस सेकंड ने डैश को त्यागपत्र दिया था, तो 2 मार्च 1917 को दिया था। रूस में सामूहिक खेतों को क्या कहा जाता था, कोलखोज कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा या मीर भी कहा जाता था। इसके अलावा टेंथ क्वेश्चन है, रूस में संपन्न किसानों को कोलंक कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। मेंसेविक के नेता कौन थे, केरेंसकी, मैंने बताया था अभी आपको। अप्रैल थीसिस किसने दी थी, तो लेनिन ने दी थी, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी आपको। समूहीकरण का कार्यक्रम किसने किया, तो वोस्टालिक ने। रूस में राजशाही का अंत किस क्रांति से हुआ था, तो अक्टूबर की क्रांति, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रूसी गृह युद्ध में बोल्सेविक के समर्थक के किस नाम से जाता था, रेड्स। तो ये सारे क्वेश्चन से देखिए आप आसानी से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक।